हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज पे हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मेंटर मैच के बारे में। तो दो तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था इस वैकेंसी के बारे में। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इसी की आगे की प्रोसेस के बारे में। अब आगे क्या करना है, तो आगे क्या, यदि आप व्हाट्सअप पे, आपके पास शायद मैसेज आया होगा ये वाला जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो इसी के हिसाब से देखेंगे आगे क्या करना है। ठीक है, पहले ये जान लो, जो भी नए हो वो जान लो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। आप ग्रेजुएट हो, आप मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। चलो एक बार इसी में देखते हैं जाके, इस पर क्लिक करते हैं, लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, लिंक पर जैसे क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा, बिकम अ मेंटर एंड स्टार्ट योर अर्निंग जर्नी। ओके, तो इसमें अर्न अप टू 15,000 बाई स्पेंडिंग अ फ्यू आवर्स एवरी डे। आप कुछ घंटे देकर 15,000 कमा सकते हो। ओके, यहाँ से अप्लाई करना है दोबारा। चलो देखो, हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखो, इसमें कॉलेज स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड वर्किंग प्रोफेशनल, आप कोई काम कर रहे हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसमें जो हु कैन क्लियर डाउट, जो डाउट क्लियर कर सके, एंड एक्सप्लेन कंसेप्ट फॉर किड्स फॉर क्लास 8 to 12, जो क्लास 8 से 12 तक के डाउटों को क्लियर कर सके, बस वो अप्लाई कर सकता है। और ये प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स जेई नीट एग्ज़ाम। ओके, जो कि तैयारी कर रहे हैं बोर्ड्स की, जो बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, ठीक है, जेई नीट, जो भी है जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके क्या है कि आपको क्लास 8 से लेकर 12 तक के डाउट सॉल्व कराने। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है, तो देखो मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक है, और भी सब्जेक्ट होंगे, देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ये अप्लाई पे क्लिक कर दिया है ना। अब देखो इसमें ये दिखा रहा है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, दिस एप्लीकेशन इज वैलिड ओनली फॉर 30 मिनट। ओके, इट विल टेक यू एनी वेयर बिटवीन 10 to 15 मिनट कम्प्लीट द एंटायर प्रोसेस। जो भी प्रोसेस है वो आपको 10 से 15 मिनट के बीच में कम्प्लीट करनी है। प्लीज़ मेक श्योर यू एंटर ओनली 10 digit व्हाट्सअप नंबर। ओके, व्हाट्सअप नंबर लिखना है तो 10 digit में ही लिखना है, ज़्यादा नहीं। इन द वीडियो ट्रेनिंग स्टेज यू विल द रीडायरेक्ट द प्रीवियस पेज। जब वो जो कंप्लीट हो जाएगा आपका वीडियो ट्रेनिंग पेज, तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। इफ़ यू डोंट गेट ऑल द आंसर राइट, सो प्लीज़ इंश्योर यू वॉच द वीडियो केयरफुली। जो वीडियो दिए इन्होंने पहले, वो आपको वीडियो पढ़नी है, मतलब देखनी अच्छी तरह, उसके बाद दो दो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं। देर आर आर 3 पार्ट ऑफ दिस, पर्सनल डिटेल, शॉर्ट ट्रेनिंग, वीडियो टेस्ट एंड डेमो सेशन। तो ये बेसिकली 3 पार्ट में होने वाला है। पर्सनल डिटेल मांगेगा, थोड़ी बहुत लिख देना उसमें, ठीक है, फॉर्म में। शॉर्ट ट्रेनिंग, वीडियोस एंड टेस्ट, कुछ नहीं है, एक एक दो दो मिनट की वीडियो है दो, उसके बाद उनके दो दो क्वेश्चन है, उसी में से पूछेगा, कैसे पूछे वो सब मैं बताऊँगा वीडियो में। फिर उसके बाद डेमो सेशन देना है, वीडियो वेरीफिकेशन ऑन व्हाट्सअप। ओके, तो सी यू ऑन द अदर साइड। ओके, आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट योर एप्लीकेशन। ओके, इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे बेसिक डिटेल मांग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, नॉर्मल डिटेल मांगी है, नाम, मेल, मोबाइल नंबर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। अब आगे बात करते हैं, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, आप 18 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अंडर ग्रेजुएट जो भी हो, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो भी हो वो आप फिल कर देना। वेयर डिड यू टेक कोचिंग इन क्लास 11 to 12, आपने कोचिंग कहाँ से ली थी, ठीक है, तो ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन या फिर अदर जो भी है वो कर देना, ठीक है। प्लीज़ मेंशन द नेम ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट बिलो, आपकी कोचिंग का नाम लिख देना, ठीक है। और डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो लिख देना, या फिर फ्रेशर हो तो फ्रेशर। ओके, आर यू एन एक्साइटिंग ट्यूटर या डाउट सॉल्वर, तो कर देना यस, ठीक है। और आगे अगर बात करें तो अगला, प्लीज़ मेंशन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिलो। ओके, अब आगे सब्जेक्ट यू कैन टीच,
तो जो स्टार लगा है वो कंपलसरी है भरना, और स्टार नहीं लगा है वो कंपलसरी नहीं, आप छोड़ भी सकते हो, ऑप्शनल है, ठीक है। सब्जेक्ट यू कैन टीच, तो आप क्या क्या पढ़ा सकते हो तो वो लिख देना, मैथ या मैथ 8 to 12, 11 to 12, ठीक है, फिजिक्स 8 to 10 या फिजिक्स ये वाली 8 to 11 to 12, जो भी है वो आप भरना चाहो वो भर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ओके। कैन यू टीच फॉर द फॉलोइंग एग्ज़ाम, आप किसी के लिए भी कर सकते हो, नीट के लिए या जेई के लिए या फिर स्कूलिंग एग्ज़ाम के लिए या फिर तीनों के लिए। विच लैंग्वेज आर यू फ्लुएंट विद, तो आप हिंदी में पढ़ा सकते हो, ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे इसमें, आप हिंदी में भी पढ़ा सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको नॉलेज अच्छी होती है बट इंग्लिश में बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो इसमें आप हिंदी में पढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाउ मैनी आवर डू यू हैव पर डे फॉर ट्यूटरिंग, ठीक है, वी इनक्रेज द ट्यूटर, कितने घंटे दे सकते हो आप, तो स्टूडेंट विच इसमें 4 कर दिए, या आपकी इच्छा है जितना करना चाहो। वैन यू विल अवेलेबल टू क्लियर डाउट योर प्लेटफॉर्म, ठीक है, मतलब आप किस टाइम फ्री रहोगे डाउट क्लियर करने के लिए, तो मैं बता रहा हूँ शाम के टाइम ज़्यादा देना, 3 बजे के बाद, 3 PM के बाद का टाइम देना, ठीक है, उस टाइम पे ज़्यादा स्टूडेंट मिलते हैं, अपनी इच्छा से दे लेना जो आपको सही लगे, ठीक है, कभी भी। प्लीज़ सेलेक्ट ऑल द डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स दैट यू हैव, तो आपके पास क्या क्या डिवाइस हैं तो वो आपको इसमें मेंशन करनी है, लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट, वाईफाई, ब्रॉडकास्ट, कैन अरेंज इफ़ रिक्वायर्ड, इस पे क्लिक कर देना, आप अरेंज कर सकते हो, रिक्वायर्ड पड़ेगी तो, वैसे इसमें मोबाइल से भी काम चल जाएगा, मोबाइल से कैसे चलेगा वो जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग की वीडियो उसमें वो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड डालना है, और यहाँ पे आधार कार्ड डालना है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल के और जो उसका फ्रंट का फ़ोटो होता है वो डाल के आप आगे बढ़ सकते हो, जो नेक्स्ट वाला बटन है उस पर क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो वीडियो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, वीडियो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, डियर एप्लीकेंट यू विल नाउ गो थ्रू द शॉर्ट वीडियो ट्रेनिंग सेशन, आफ्टर ईच वीडियो यू विल रिक्वायर टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चन, टू प्रोसीड यू विल क्लोज चूज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो देखनी है, वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आपको आंसर देने हैं सही तरीके से, ठीक है। यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द प्रीवियस वीडियो इफ़ यू आंसर वाज रॉन्ग, यदि आपके आंसर गलत होते हैं तो आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा उसी वीडियो पर, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच द वीडियो केयरफुली, सो आपको जो वीडियो देखनी है वो केयरफुली देखनी है, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो देखो इंट्रोडक्शन टू मेंटर मैच, ओके, तो इसमें बताया गया है कि इंट्रोडक्शन दिया गया है, मेंटर मैच है क्या, इसके बाद तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, एक मिनट 2 मिनट की वीडियो है बस, तो यहाँ से क्वालिटी कम कर लेना, ओके, ये क्वालिटी 1080 है, इसको बिल्कुल आप कम कर लेना, ठीक है, वरना चलेगी नहीं वीडियो। तो ये मैंने क्वालिटी मैंने मान लो 240 कर ली, ओके, तो इस तरह से क्वालिटी कम करके पूरा देख लेना, या क्वालिटी ज़्यादा में देख लेना, नेट अच्छा हो तो। अब ये आया क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन टू मेंटोर मैच, तो इसमें दे रहा है स्मार्टफोन एंड गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, ओके, तो ये कह रहा है व्हाट डू यू नीड टू बिकम अ मेंटर, तो मेंटर बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो उसमें इंट्रोडक्शन बताया उन्होंने, देखो ये ज़रूरी है, ये होना चाहिए स्मार्टफोन एंड गुड इंटरनेट कनेक्शन, ओके, अगर वाइट बोर्ड होगा तो उससे नहीं पढ़ा पाओगे, सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर होगा उससे नहीं पढ़ा पाओगे, अगर स्मार्टफोन है गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप पढ़ा सकते हो, कैसे वो उसमें वीडियो में बताया है, ठीक है। विच ऑफ दीज इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मेंटर, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है मेंटर के रूप में, तो इसमें आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आपका बी ऑप्शन, रिप्रेजेंट द कंपनी टू द कस्टमर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पल्टनेस, ठीक है, एंड इंटेग्रिटी। तो अगले वीडियो पे जाना है, अगला वीडियो पूरा देखना है, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देखना, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू डू वंस यू जॉइन द वीडियो कॉल, ओके, तो सेटअप माई कैमरा, हैव नोटबुक, ये आंसर हो जाएगा इसका। व्हाट डू यू सेंड एज अ सॉल्यूशन व्हेन द चैटबॉट, ठीक है, प्रॉम्प्ट
प्रॉम्प्ट और फॉर इट। ओके, तो मल्टीपल फोन डॉक्यूमेंट, मल्टीपल फोटोज़ आप सेंड कर सकते हो। व्हाट कैन यू सेंड एज ए सॉल्यूशन, जब आप सॉल्यूशन सेंड करोगे तो क्या आप एक फ़ोटो एक पीडीएफ के सारे भेजोगे, या लिंक या यूआरएल भेजोगे, या फिर मल्टीपल फ़ोटो और डॉक्यूमेंट भेज सकते हो। तो मल्टीपल भेज सकते हो, उस वीडियो में बिल्कुल बताया है। ठीक है, तो अब इसके बाद आंसर देने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाओगे वीडियो असेसमेंट में। ठीक है, तो वीडियो असेसमेंट में क्या देना है वो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और उसकी देखो अगली वीडियो बनाऊंगा अगर आपको कोई डाउट होगा तो। ठीक है, पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके अगर कोई डाउट है तो। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।